Now, class 4 student, I am coming up with your new video of chapter 1. Check your understanding. Page number 10. Choose the correct option. Which of the following devices? Oh, I have already done. I have done this. But another time, which of the following devices perform calculations by sliding beads, abacus? The and B is abacus. 1B abacus. Which of the following is considered as the first mechanical computing device? Mechanical computing device is Pascaline. Pascaline A. Okay? And which of the following device were developed by Charles Babbage? Both A and B. Difference engine and analytical engine D. Both A and B. So 1B, 2 Pascaline, 2A and 3D. ठीक है. Now, evolution of computer. Evolution of computer means computer कैसे computer आया है, right? In 1890s, electricity was widely available as the source of power. 1890 में electricity source of power के लिए widely available था, right? मतलब available था उस दिनों में. ठीक है. दस कैलकुलेटिंग मशीन्स विच वर लार्जली मैकेनिकल डिवाइस. कैलकुलेटिंग मशीन हुआ था तब के दिनों में मैकेनिकल डिवाइस. स्टार्टेड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी एज वेल. ये इलेक्ट्रिसिटी को भी लेकर काम करता था. एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस बिगेन टू डेवलप. इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इन दोनों को जोड़ते हुए जो डिवाइसेस बनता था वो डेवलप होने लगा था तब के दिनों में. हर्मन हॉलर्थ टैबुलेटिंग मशीन वाज यूज्ड टू गेट द रिजल्ट ऑफ यूएस सेंसस डेटा 1980. तो हर्मन एक साइंटिस्ट था. उनके टैबुलेटिंग मशीन पहले उन्होंने बनाए थे. वाज यूज्ड टू गेट उनका बनाया हुआ यूज किया गया था यूएस का सेंसस डेटा. सेंसस डेटा मतलब आदमशुमारी, मतलब जनगणना. जनगणना का जो डेटा है सेंसस डेटा दैट रिजल्ट्स गेट द रिजल्ट्स ऑफ द सेंसस डेटा इन 1890 में ये किया गया था तब के दिनों में. द मार्क वन और द ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर ASCC ये पढ़ना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा. ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर वाज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर. ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर हुआ करता था. बिल्ट इन 1944 बाय हावर्ड आइकन ने 1944 में ASCC बोल के एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बनाए थे. By 1946, computers started using vacuum tubes. 1946 में computers start किया. computer का जो main part होता था वो क्या था? vacuum tubes instead of mechanical gears. mechanical gears के बदले में vacuum tube आया. The use of vacuum tubes in computers marked the end of the electromechanical era. इलेक्ट्रोमैकेनिकल मतलब गियर वाला जो इरा था, गियर से चलता था मशीन, वो वाला इरा को ख़त्म कर दिया था किसने? ये जब वैक्यूम ट्यूब आया था इरा. एंड द बिगिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर और वहाँ से ही इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जर्नी शुरू हुआ था, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनना शुरू हुआ था. दिस कंप्यूटर स्टार्टेड यूजिंग स्टोर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम्स. ये कंप्यूटर में स्टोर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया होता था. पहले से किया गया इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी कंप्यूटर में होता था. द लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शन आर गिवन. जो लैंग्वेज में इसमें इंस्ट्रक्शन दिया जाता था, आज के दिन में हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बोलते हैं. टू कंप्यूटर्स, ठीक है, जब उन दिनों में इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता था उसको बोला जाता था कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है. द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन आर गिवन टू द कंप्यूटर्स आर कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तब से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गया था. ठीक है. कंप्यूटर्स डेवलप्ड सिंस 1946, मतलब जब वैक्यूम ट्यूब क्रिएट हुआ था या डेवलप्ड हुआ था वहाँ से ही हम लोग समझ लेते हैं कि कंप्यूटर का जनरेशन स्टार्ट हुआ था. 1940s are classified into generations according to the technology used.
टेक्नोलॉजी जितना आगे बढ़ता गया, टेक्नोलॉजी का बदलने से ये कंप्यूटर का जेनरेशन भी बदलना, हम लोग उस तरीके से कंप्यूटर के जेनरेशन को समझेंगे। तो फर्स्ट जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का है क्या, यहाँ पे था 1946 to 1958 तक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सोचा जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या था, फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, दे यूज वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे। फिजिकली दे वेयर वेरी बिग, ये बहुत बड़ा होता था, फिजिकली मतलब जगह लेता था बहुत बड़ा। दे ऑफन ऑक्यूपाइड सेवरल फ्लोर्स, ये ज़्यादा से ज़्यादा सेवरल फ्लोर मतलब एक बिल्डिंग का बहुत सारा फ्लोर, इन ए बिग बिल्डिंग के बहुत सारा फ्लोर लेकर, एंड वुड वे मोर देन वेट एंड वुड वेट मोर देन 25 टन्स, और एक मशीन का वेट होता था 25 टन से भी ज़्यादा। थ्री, पांच कार्ड एंड पेपर टेप्स, पांच कार्ड बोल के एक चीज़ होता था और पेपर टेप्स वेर यूज टू फॉर इनपुट एंड आउटपुट। पांच कार्ड एंड पेपर टेप बोल के दोनों अलग अलग टाइप का चीज़ था, वेर यूज फॉर इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट के लिए पांच कार्ड और पेपर टेप्स में आउटपुट आता था, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पेज में। उसके बाद दे यूज मैग्नेटिक ड्राम्स फॉर मेमोरी, और उसमें ही हम लोग क्या करते थे, मैग्नेटिक ड्राम्स, ठीक है। वो आठ था, वो नाइन टेन था, पी फोर टेन था, इलेवन पेज राइट। तो पेज नंबर इलेवन तुम लोग देख सकते हो, फिर भी मैंने दिखा दिया। दे यूज मैग्नेटिक ड्राम फॉर मेमोरी, मतलब पहले जनरेशन में मैग्नेटिक ड्राम्स, मैग्नेटिक ड्राम बोल के एक चीज़ था, उसको मेमोरी की तरह यूज़ किया जाता था। कूट प्रोसेस अबाउट 10,000 इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, और ये मशीन 10,000 इंस्ट्रक्शंस, 10,000 इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में, एक सेकेंड में कैलकुलेट कर सकता था। वेर एवर स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन वेर रिक्वायर्ड, दे यूज मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। वेर एवर स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन वेर रिक्वायर्ड, स्टोर इंस्ट्रक्शन जहाँ पे रिक्वायर होता था, मतलब ज़रूरत होता था, दे यूज मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम ही उनको वो यूज़ करते थे, ठीक है। मैग्नेटिक ड्रम क्या है, एक मेटल सिलेंडर कोटेड विथ मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड, मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड बोल के एक मटेरियल होता था, मटेरियल आयरन ऑक्साइड मटेरियल, ऑन विच डेटा एंड प्रोग्राम्स कैन बी स्टोर, जिसके ऊपर डेटा और प्रोग्राम स्टोर हुआ करता था तब के दिनों में। क्या था, एक मेटालिक सिलेंडर कोटेड विथ मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड मटेरियल, ये एक मैग्नेटिक एक मटेरियल है, उस मटेरियल से वो घिरा रहता था, जिसके ऊपर हम लोग डेटा और प्रोग्राम स्टोर कर सकते थे, ठीक है। तो ये था एडवांटेजेस ऑफ फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैड द फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेज क्या था उस कंप्यूटर में, दे प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ हीट एंड नॉइज एंड ब्रोक डाउन फ्रिक्वेंटली, ये मशीन्स बहुत ज़्यादा हीट गर्मी देता था, गर्मी होता था इस मशीन के अंदर, नॉइज बहुत ज़्यादा आवाज़ भी निकलता था, एंड ब्रोक डाउन फ्रिक्वेंटली मतलब बहुत ज़्यादा खराब भी होता था या ब्रोक टूट जाता था। दे वेर वेरी एक्सपेंसिव टू बाई, और ये खरीदने में बहुत एक्सपेंसिव, बहुत पैसा लगता था। डिफ़िकल्ट टू सेट अप एंड मेंटेन, और इसको तैयार करने में और मेंटेन करने में मतलब इसको चलाने में बहुत दिक्कत होता था। दे वेर वेरी बिग इन साइज, और ये मशीन बहुत बड़ा होता था साइज में, एंड दे आर फॉर रिक्वायर ह्यूज स्पेस फॉर, मतलब इसके लिए बहुत ज़्यादा जगह का भी इस्तेमाल करना पड़ता था, राइट। ये डिसएडवांटेज है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मूव, और ये मशीन इम्पॉसिबल टू मूव फ्रॉम मूव देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक मशीन को एक जगह पर सेटअप कर दिया तो उसको दूसरे जगह में ले जाना मुश्किल था, राइट। नेक्स्ट फोर, दे कंज्यूम्ड ए लॉट ऑफ पावर, और ये मशीन बिकॉज ऑफ वैक्यूम ट्यूब ये बहुत लॉट ऑफ पावर ये इस्तेमाल करता था। फाइव डिसएडवांटेज, दे हैड वेरी लेस मेमोरी, और इसके अंदर जो मेमोरी पावर था मेमोरी बहुत कम होता था, एंड वेर वेरी स्लो, और ये बहुत स्लो भी काम करता था, क्योंकि ओनली 10,000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड काम करता था, राइट। दे ऑफर्ड लिमिटेड प्रोग्राम्स ऑप्शन, और ये
बहुत कम प्रोग्रामिंग ऑप्शंस ऑफर करता था, मतलब प्रोग्रामिंग ऑप्शन यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं होता था, आज के मशीन की तरह नहीं है। सम ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वेर एनियक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है, ये एक नाम है, पढ़ लेना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। दिस वॉज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एंड हैड ओवर 18,000 वैक्यूम ट्यूब, इसके अंदर 18,000 वैक्यूम ट्यूब होता था। इट वॉज बिल्ड बाई जॉन इकर्ट एंड जॉन मैकले इन 1946 में ENIAC बनाया गया था, जॉन इकर्ट और जॉन मैकले के द्वारा, ठीक है। EDSSE इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये मशीन, दिस वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था दैट यूज टू स्टोर प्रोग्राम्स, ये प्रोग्राम स्टोर करने में सक्षम था। इट वॉज बिल्ट बाई मॉरिस विल्केस ने इसको तैयार किया था एंड हिज टीम, नॉट ओनली ही एंड हिज टीम, इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 1949 में तैयार किया गया था, इन 1949। नेक्स्ट और एक मशीन का नाम दिया गया है EDVSE इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। EDVSE वाज बिल्ड बाय जॉन इकर्ट, ये भी जॉन इकर्ट ने ही तैयार किया था जो यहाँ पे 1946 में, एंड जॉन मैकले ने तैयार किया था, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जॉन वॉन न्यूमैन के साथ लेकर, ठीक है, हु हेल्प टू द फॉर्मुलेट द आइडिया ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम्स, जो हेल्प किए थे फॉर्मुलेट द आइडिया ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम, स्टोर्ड प्रोग्राम वहाँ पे कैसे डाका जा सकता है, इसको उन्होंने हेल्प किए थे जॉन वॉन न्यूमैन ने, ठीक है। नेक्स्ट था UNIVAC UNIVAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये भी जॉन इकर्ट एंड जॉन मैकलो ने तैयार किया था, बिल्ट इन UNIVAC इन 1951 में, 1946 में किया गया था, इसका कोई डेट ऑफ ईयर दिया नहीं गया है, ईयर यहाँ पे 1951 में उन्होंने ही किया था। दिस वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डिजाइन फॉर कमर्शियल यूज, मतलब कमर्शियल यूज मतलब क्या, हम लोग जो बोलते हैं मतलब बिजनेस में यूज़ करना, मतलब तब के दिनों में पहला बिजनेस में यूज़ करने वाला कंप्यूटर ये बनाए थे, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, बट इट इज़ अ वेरी ऑब्वियसली ऑल द डिसएडवांटेज आर ओवर हियर, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में ये नाम है कुछ, ठीक है। तो यहीं पे मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ, थैंक यू।